प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तिल चतुर्थी के अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में किया जाएगा, जहां मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर आशीष सिंह ने पत्नी संग भगवान गणेश का पूजन कर इस 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं तिल चतुर्थी के अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 1.25 लाख तिल लड्डुओं का भोग लगाया गया। साथ ही इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान भगवान गणेश को 2 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार भी किया गया। बड़ी संख्या में भक्त भगवान के मनमोहक रूप के श्रृंगार के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 80 से अधिक CCTV कैमरे निगरानी के लिए पूरे परिसर में लगाए जा रहे हैं। वहीं खजराना गणेश मंदिर पुजारी पंडित अशोक भट्ट महाराज ने बताया कि जनवरी माह में तीन चतुर्थी के दौरान 3 दिवसीय मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और इस वर्ष भी 29 से 31 जनवरी तक 3 दिनों तक मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां तिल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया और सभी भक्तों को तिल गुड़ के लड्डुओं का प्रसाद खुद कलेक्टर ने अपने हाथों से वितरित किया। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के मुकुट से भगवान गणेश को श्रृंगार किया गया। आकर्षक फूल बंगला भी मंदिर परिसर में बनाया गया। 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान भक्तों को दर्शन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। जय गणेश। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माघवदी तिल चतुर्थी को यहाँ पर मेला भराया गया है। माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त भगवान गणेश जी महाराज की यहाँ पर पुनः स्थापना की गई थी। ऐसा बताते हैं ये मंदिर परमारकालीन मंदिर था और औरंगजेब के डर से तत्कालीन हमारे पूर्वजों ने मूर्ति को बावड़े में छुपा दिया था और फिर कालांतर में माँ अहिल्या देवी होलकर के दरबार में जाकर जब वहाँ पर निवेदन किया और वहाँ से उन्होंने फिर मूर्ति को निकलाया और आज के दिन यहाँ फिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से ही यहाँ पर यह तिल चतुर्थी मेला भरता है और ये 3 दिन का मेला रहता है। इसमें बच्चों के लिए इस बार झूले, चक्री, फूड स्टॉल आदि लगे हुए हैं। मंदिर को, गर्भगृह को सजाया गया है फूलों से, विद्युत सज्जा की गई है, ध्वज पताकाएं लगाई गई है और साथ ही भगवान गणेश जी महाराज का स्वर्ण आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया है। आसानी से लोगों के दर्शन हो सके, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई है कि सुलभ दर्शन हो सके। सामने स्टेप लगाई गई है, 4 रो लगाई गई है और झिकझिक रेलिंग लगाई गई है। 80 CCTV फुटेज लगाए गए हैं। खजराना रिंग रोड से 1 वे किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल 20 से 25 मिनट में दर्शन हो जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। तिल चतुर्थी पे कोई मन्नत वगैरह करते हैं लोग? बहुत मन्नत वाले भी रहते हैं और आज यहाँ पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है और तिल गुड़ का आज विशेष महत्व है। वैज्ञानिक तरीके से भी जो तिल गुड़ रहता है, ये अभी सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है और तिल गुड़ खाने से हमारा स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, इसलिए तिल गुड़ का हमारे धार्मिक महत्व भी है और साथ में वैज्ञानिक महत्व भी है। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इंदौर में आकर हमको इतनी सुंदर पूजा का लाभ मिला है। आज तिल चतुर्थी है, आज बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए और विशेष रूप से माताओं के लिए, क्योंकि आज हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं। तो सब माताओं को, सब परिवार वालों को हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं, सबका साल बहुत उत्तम जाए। लोग मन्नत करते हैं आज जी, जी मैंने मन्नत मांगी है कि हम सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, साल खूब अच्छा जाए सब लोगों का और गणेश भगवान की कृपा सब पर बराबर बनी रहे। खजाना जी, खजराना गणेश जी की हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप लोग को पता नहीं है पर यहाँ पर हमने अपने जो हमारा बड़ा बेटा है साहित्य, हमने उसका तुला दान करवाया था यहाँ पर इसी मंदिर में और हमने अपने बेटे का मुंडन भी इसी मंदिर में करवाया है जब वो 1 वर्ष का हुआ था। तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े उपलक्ष्य इसी मंदिर में संपूर्ण है भगवान की कृपा से और आप सबके जीवन में भी ऐसी सुख समृद्धि बनी रहे। आपका नाम? मेरा नाम कथा है। तिल चतुर्थी बहुत ही विशेष अवसर होता है खजराना गणेश मंदिर के लिए और मैं खुद को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि तिल चतुर्थी के शुभ अवसर पर खजराना गणेश मंदिर में सपत्नी पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर पूरे ज़िले भर के सभी ज़िले वासियों के लिए कल्याण की कामना करी गई और निश्चित रूप से खजराना गणेश का जो आशीर्वाद हमेशा इंदौर को प्राप्त होता रहा है
आगे भी ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा ऐसी प्रार्थना करी गई है। और आज इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी हाँ, जिसमें तिल के लड्डू भी बांटे जाते हैं, मेले का भी आयोजन होता है और एक विशेष पर्व जैसा आयोजन यहाँ पर होता है। और इस हेतु पूरी जो मंदिर की टीम है, यहाँ के सभी जो पुजारीगण हैं, वो लोग बहुत ही प्रयास से, अथक परिश्रम से इन सब आयोजनों में अपनी भागीदारी देते हैं। उनका भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।